दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है, जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था, आज उसे देखने का मन नहीं करता है। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को ये सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचे कि ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगा तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने ये परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे काश वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर रहकर भी साथ होगा, जिन्हें निभाना नहीं वह पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना, रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थिति को कोसता है और कोई उस विकट परिस्थिति से गुजर कर हंसता है, उभरता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था, वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा। वह महात्मा जी बड़े चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके काला कौवा बोला, महात्मा जी मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं, मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है। वो कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग का हूँ, काले रंग से मुझे घिन आने लगी है,
लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कौवे को लाड़ प्यार करते? मुझे लगता है ये जो रूप है मेरा, मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है, मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ, लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूँगा कि एक बार हंस से जाकर मिल लो और पूछ लो क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफ भरी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूं? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है, इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है जब लोग मर जाते हैं, अर्थी उठाए जाते हैं, तो अर्थी पर सफेद चादर ढकी होती है, ये भी कोई रंग है सफेद? मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं तो चलो एक महात्मा जी के पास, वैसे तो किसी का भी रूप बदल देते हैं, वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद कौवा और हंस महात्मा जी के पास कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ, क्या वो अपने जीवन से खुश है? दोनों तोते के पास गए, उसकी तारीफ करने लगे, तोता तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, हरा रंग देखो कितनी दिक्कत देता है, मैं खुश नहीं रहता, मेरे इस रूप की वजह से मुझे लोग पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजरों में कैद कर देते हैं, फिर बुलवाते हैं, मैं तो परेशान हो गया हूँ, लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है, मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूँ। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस ने कहा, चलो भाई रूप बदल।